ऐ दोस्त मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद CNC रेसिपी पर। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है इंटरनल थ्रेड, यानी कि हम इंटरनल थ्रेड किस तरह से बनाएंगे उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ऑलरेडी एक्सटर्नल थ्रेड का मैं वीडियो बना चुका हूँ, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड में सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है, बात बाकी सब सेम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं मान कर चलता हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आप लोगों को ड्राइंग समझा दूँ, जो कि ड्राइंग आप लोगों के सामने है। इसमें दोस्तों ये अपना ड्राइंग है, इंटरनल थ्रेड का ड्राइंग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेजर डाया होता है और यहाँ से यहाँ तक ये माइनर डाया होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक को पिच कहते हैं, जो कि पिच अपना यहाँ पे दिया हुआ 1.5। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे माइनर डाया, इसका डाया दिया हुआ 40। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जहाँ से थ्रेड स्टार्ट कर रहा है और जहाँ पे थ्रेड एंड हो रहा है वहाँ तक का लेंथ दिया हुआ 60। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ड्राइंग आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए इसी ड्राइंग के माध्यम से हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग थ्रेड डेप्थ के बारे में समझ लेते हैं, थ्रेड डेप्थ होता क्या है, उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, यदि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो हाइट होता है वो कहलाता है थ्रेड डेप्थ। ठीक है, और ये थ्रेड डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हम 0.61314 इंटू पिच, यानी कि ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ये वैल्यू स्टैंडर्ड होता है, इस वैल्यू में पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे अपना पिच दिया 1.5। ठीक है, यानी कि 0.61314 इंटू 1.5, ये 1.5 पिच है। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 0.9197। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू आ गया तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.920 इसको mm मान लेते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू mm में है तो इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 920 माइक्रोन। ठीक है दोस्तों, और ये 920 माइक्रोन में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि G76 जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसमें जो भी प्रोग्राम देते हैं वो प्रोग्राम माइक्रोन में ही देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको माइक्रोन में कन्वर्ट किए। ठीक है दोस्तों, तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थ्रेड डेप्थ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे सारा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे माइनर डायर दिया हुआ है, इसका पीस दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ है, और हम लोगों ने इसका थ्रेड डेप्थ कैलकुलेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसी के माध्यम से हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये G0X40.0Z3। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनर डायर 40 दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू 40 लिखा हूँ, और Z3 क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि अपना टूल 3mm बाहर से स्टार्ट होगा। ठीक है, टूल 3mm बाहर से स्टार्ट क्यों किए, क्योंकि देखिए यहाँ पे उतना ही वैल्यू लिखेंगे जितना अपना पिच का मल्टीपल होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए अपना पिच 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे 1.5 रख सकते हैं, या 3 रख सकते हैं, या 4.5 रख सकते हैं, या 6, यानी कि यहाँ पे वही वैल्यू रखेंगे जो कि पिच का मल्टीपल है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन G76P04006060Q100R50। दोस्तों मैं आप लोगों को बतला दूँ कि इसके पहले जो मैं आप लोगों को ओडी का थ्रेडिंग बदलाया था उसमें ऑलरेडी इसका मीनिंग डिस्कस कर चुका था, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा जाकर के जरूर देखिएगा, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग को इसका मीनिंग बदला देता हूँ। G76 ये फर्स्ट ब्लॉक ऑफ साइकिल प्रोग्राम का कमांड होता है G76। यहाँ P04 मीन्स होता है नंबर ऑफ स्प्रिंग पासिस, और यहाँ पे 00 ये थ्रेड रनर को डिनोट करता है,
और 60, ये 60 थ्रेड एंगल को डिनोट करता है, जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका थ्रेड का एंगल दिया हुआ 60, इसलिए यहाँ पे 60 दिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि थ्रेड का एंगल जितना रहेगा वही यहाँ पे देखिए 60 दिया हुआ, यहाँ पे 60 लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और ये क्यू डिनोट करता है दोस्तों नंबर ऑफ ईच कट, यानी कि प्रत्येक पास में कितना माइक्रोन मेटल रिमूव करेगा वो इसको क्यू डिनोट करता है। और R50 मीन्स होता है फिनिश अलाउंस, यानी कि फिनिश के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 50 माइक्रोन का स्टॉक रखा। ठीक है दोस्तों, G76X 41.839, जेड -61.0, P920, Q250, F1.5। दोस्तों यहाँ पे G76 यानी सेकेंड ब्लॉक ऑफ साइकिल प्रोग्राम का ये सेकेंड ब्लॉक होता है, और X41.839 ये X41.39 किस तरह से, 839 किस तरह से, आप देखिए यहाँ पे इसको इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए माइनर डायर कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ, यानी कि 40 प्लस टू क्यों करेंगे, क्योंकि ये डायमेट्रिकली हमें बनाना है, इसलिए यहाँ पे प्लस टू करेंगे इन टू थ्रेड डेप्थ, यानी कि थ्रेड डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का थ्रेड डेप्थ कितना निकला था, 9.97। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थ्रेड, अब देखिए यहाँ पे ये 40 जैसे है वैसे लिख दिए, प्लस टू प्लस का साइन है प्लस लिख दिए, टू है टू लिख दिए, मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई लिख दिए, और यहाँ पे थ्रेड डेप्थ कितना हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे देखिए 9197, यानी कि यहाँ पे लिख दिए 0.9197। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1.839। ठीक है दोस्तों, यानी कि 40 प्लस 1.839 जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 41.839। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया ये वैल्यू जो है 41.839 किस तरह से आया। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बतला दूँ, यदि हम लोग आईटी के लिए थ्रेडिंग बना रहे हैं तो अब उसमें ये प्लस करेंगे, और यदि ओडी के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात बात ये सब सेम होता है। अब ये लाइन आप लोगों को क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये देखिए जेड -61.0, दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक अपना टोटल हाइट, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ, टोटल डिस्टेंस 60 दिया हुआ, मगर यहाँ पे जेड का वैल्यू मैं जेड -61 लिखा हूँ। जेड -61 क्यों लिखा, क्योंकि हम 1 mm टूल को अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, 1 mm टूल को अंदर इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इस कॉर्नर में, यहाँ पे और यहाँ पे इस कॉर्नर में कोई भी बड़ा वो रिमूव हो जाए, इसलिए टूल को 1 mm शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन शिफ्ट उसी वक्त करेंगे जब हम देख रहे हैं कि मेरा टूल अंदर जाने के लिए जगह है या नहीं, यदि जगह है तो हम शिफ्ट करेंगे, यदि जगह नहीं है तो जितना डिस्टेंस है उतना ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब भी हम आईटी का प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हमें स्पेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना ही पड़ता है, जिससे कि अपना टूल न टकराए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को लाइन क्लियर हो गया कि जेड -61.0 क्यों दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P920, दोस्तों ये P920 किस तरह से, पी किसको डिनोट करता, पी यहाँ पे डिनोट करता थ्रेड डेप्थ को, और थ्रेड डेप्थ देखिए हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था यहाँ पे 0.920 mm, इसको माइक्रोन में कन्वर्ट किया था 920 माइक्रोन, यही 920 माइक्रोन को यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये पी डिनोट करता थ्रेड डेप्थ को, यहाँ पे क्यू 250 ये डिनोट करता है दोस्तों डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट, यानी कि फर्स्ट टाइम जो अपना डेप्थ मेटल रिमूव करेगा वो यहाँ पे 250 माइक्रोन का मेटल रिमूव करता है, ये क्यू डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट को डिनोट करता है। और F1.5 यहाँ पे फिर 1.5 का दिया, यहाँ पे फिर उतना ही देंगे जितना अपना पिच होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अपना पिच है 1.5, इसलिए यहाँ पे फिर हम लोगों ने दिया 1.5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद G0X38 यानी कि टूल को थोड़ा नीचे ले करके, और Z10 यानी कि टूल को बाहर निकाल दिया। उसके बाद M05, M09 स्पिंडल स्टॉप, M09 पुलर टॉप, और G28 दे करके टूल को होम पोजिशन में भेज दी, और M30 यानी कि प्रोग्राम एंड एंड रिसेट। दोस्तों ऐसा करता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।